नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 21 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले भी हमने एक वीडियो में कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को देखा था जो आज ही फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। उसके बावजूद हमें कुछ और क्वेश्चंस मिले हैं तो हम उन्हीं को लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। तो लास्ट तक देखते रहिए हमारे ये वीडियो। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज सिमिलर एंड रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 3:7 एंड पीक्यू इक्वल टू 21 देन फाइंड एबी। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं। दोनों ट्रायंगल्स का नेमिंग आपको कर दिए। एक ट्रायंगल बोला है ए बी सी है, दूसरे ट्रायंगल के बारे में क्या बोला है तो पी क्यू आर है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, तो ये ट्रायंगल हमारा हो गया पी क्यू आर। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं और इनके पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है 3:7 और पी क्यू इक्वल टू 21 देन फाइंड ए बी। इस तरीके के जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत एग्ज़ाम में आ रहे हैं, किसी में आपको एरिया दे देता है, किसी में आपको पेरीमीटर दे देता है। तो हमने आपको पिछले कल शायद आपको एरिया के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके एरिया का जो करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के रेशियो का होल स्क्वायर होता है। बट यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया है तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके जो पेरीमीटर के रेशियो होते हैं वही उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होते हैं। तो ये हमारा पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है 3:7 और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या दे रखे हैं, तो आपके ए बी और पी क्यू आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जिसमें आपको पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 21, ए बी हमें निकालना है तो अब हम ए बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी इक्वल टू हो गया 3/7 इंटू 21, 7 21 कैंसिल हो गया तो हमारा हो गया 9, तो ए बी का वैल्यू आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे आ रहे हैं एग्जाम्स में। एक तो हमने आपको बताया वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आते हैं, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ रहता है जिसमें दो एंगल्स दिए हुए रहते हैं, थर्ड एंगल के साथ आपको किसी चीज़ को जोड़ के देता है। तीसरे टाइप आपके ये बहुत आ रहे हैं एग्जाम्स में, आपको किसी आइडेंटिटी का वैल्यू दे दिया जाता है और किसी आइडेंटिटी का वैल्यू पूछता है। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है कॉस ए के इक्वल टू क्या, तो 25/7 और हमसे पूछ रहा है सेक ए इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखो तो हमने आपको बताया कॉस ए के इक्वल टू होता है कितना है, तो हाइपोटेनस बाई हमने आपको क्या बताया था, तो परपेंडिकुलर। और सेक ए इक्वल टू क्या होता है, तो बेस बाई सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करने क्या होता है, आपको सेके इक्वल टू जैसा हमने आपको बताया हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ पे हमको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है, बेस तो पता ही नहीं है। तो आपको पता होगा 25 और 7 के साथ ट्रिपलेट कौन बनाता है, तो 24 बनाता है। तो जो भी हमारा इसका होगा वो 24 होगा, एक से एक चीज़ बचा है वो 24 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हो गया 25, बेस हो गया 24, तो 25/24। इसे और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमने इसे बनाया ए, इसे बनाया बी, इसे बनाया सी, ये आपका राइट एंगल हो गया और ये एंगल आपको दे रखा है कॉस ए के इक्वल टू 25/7 जैसा हमने आपको बताया हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया, तो 25। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, इसके सामने वाला, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी होगी बिकॉज सेक ए इक्वल टू होगा क्या, तो ए सी बाई ए बी। अब ए बी का वैल्यू नहीं पता है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर आप ए बी निकालते हो तो ए बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 24। तो ये हमारा सेक ए इक्वल टू हो गया 25/24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका बहुत क्वेश्चन आ रहा है, कल भी आपके पूछे गए थे, आज भी पूछे जा रहे हैं। ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड है, यहाँ ये आपका यहाँ पर गलती से आपका 80,000 लिख दिया गया आपको, जैसा मैंने बताया क्या, तो गलती से ये आपका 80,000 लिख दिया गया। इस ये आपका 80,000 है कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमने गलती से इसे लिख दिया था। तो आप इसे इग्नोर करके ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए। हमसे कह रहे 25% ऑफ 125% ऑफ 80,000, तो हम इसमें क्या करेंगे, बस पुट करते जाएंगे परसेंट यानी नीचे बाई 100, तो 25/100 मल्टीप्लाई बाई 125/100 मल्टीप्लाई बाई 80,000। अब हम इसे सॉल्व अगर करते तो 0,0 कैंसिल हो गया, 0,0 कैंसिल हो गया और 125 8 जो 1,000 और 1,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा, तो 25,000। तो हमारा आंसर हो गया 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है,
कर अ सम ऑफ फोर टाइम्स ऑफ ए फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज सेवन, देन व्हाट वाज द फ्रैक्शन? हमसे कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसका कि चार गुना उसके रेसिप्रोकल, जिसका फ्रैक्शन का चार गुना और उसके रेसिप्रोकल का सम सेवन है, तो हमसे पूछ रहा फ्रैक्शन क्या होगा। तो इस तरह के जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इसमें करने क्या होते हैं, आप फ्रैक्शन को कभी भी एक्स डिवाइडेड बाई वाई मत मानो, ये आपका गलत प्रोसेस है। हम मानेंगे कि फ्रैक्शन हमारा एक्स है, तो कह रहा है कि सम ऑफ फोर टाइम्स ऑफ ए फ्रैक्शन यानी कि फोर एक्स प्लस आपका कह रहा है इट्स रेसिप्रोकल यानी वन बाई एक्स इक्वल टू सेवन आपको दे रखा है। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सेवन, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे माइनस, आप जानते हैं एक्स इक्वल टू होता है कितना, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। अब इससे आप इसे सॉल्व करो तो माइनस बी यानी माइनस सेवन प्लस माइनस और ये हो गया सेवन का होल स्क्वायर यानी 49 माइनस फोर ए सी यानी माइनस चार चौका 16 डिवाइडेड बाई टू है यानी चार दो ना आठ, तो इस तरह से ये हो गया सेवन प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई एट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फ्रैक्शन टाइप का ही क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको दे रखा है फोर एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस सेवन वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 16, देन हमसे पूछ रहा है एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू व्हाट। ये भी आपको दिख रहा होगा पिछले क्वेश्चन जैसा ही फ्रैक्शन है, शायद ये पिछले क्वेश्चन ही हैं, बस इसमें आपको अंतर क्या है, तो यहाँ पे आपको सम दे रखा था सेवन, इसमें ये हो सकता है कि आपके पिछले और ये क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास भी क्वेश्चंस कहीं दूसरे जगह से आते हैं, एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हो सकता है दोनों क्वेश्चन भी सेम हो, ये भी हमें कन्फर्म नहीं है। हो सकता है पिछले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो, राइट क्वेश्चन ये हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमें करने क्या है, आपको भी इसमें वही काम करना है, आपको x डिवाइडेड बाई वाई पूछ रहा है, तो क्यों ना हम x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू जेड मान लें। तो ये हमारा हो जाएगा फोर जेड प्लस सेवन बाई वाई एक्स है यानी वन बाई जेड हो गया प्लस सेवन बाई जेड इक्वल टू 16। अब जेड यहाँ पे हो गया तो फोर जेड स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू 16, तो यहाँ से हो गया फोर जेड स्क्वायर माइनस 16 जेड प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब आप इसे टोटली अगर सॉल्व करें तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू आएगा कितना, सॉरी n का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप अगर सॉल्व करके देखो तो हमारा आ रहा है सेवन बाई टू एंड वन बाई टू, दो वैल्यूज़ आपके आएंगे कौन कौन से, तो x इक्वल टू आएंगे सेवन बाई टू एंड सॉरी n इक्वल जेड इक्वल टू आपके आएंगे क्या, तो सेवन बाई टू एंड वन बाई टू, तो हमारा x डिवाइडेड बाई बाई क्या हो गया, तो सेवन बाई टू एंड वन बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था छह वस्तु को बेचने पर एक वस्तु का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ये क्वेश्चन बिकॉज आपके लैंग्वेज आपको समझने होंगे, ये क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट मिलते नहीं है, तो इसमें हमारा लैंग्वेज कहने क्वेश्चन क्या चाह रहा था कि छह वस्तु को बेचते हैं तो हमें एक वस्तु के बराबर, मतलब एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमने माना कि एक वस्तु को, एक आर्टिकल है, हमने आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल को हम बेचते हैं एक रुपये में, तो छः आर्टिकल को कितने में बेचेंगे, तो हम छः आर्टिकल को बेचेंगे कितने में, तो छः रुपये में। अब कह रहे हैं छः आर्टिकल को बेचने पर हमें एक वस्तु का लाभ मिलता है, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है एक रुपये और हमारा सेलिंग प्राइस है कितना, छः रुपया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमने उसे खरीदा होगा कितने में, तो पाँच रुपये में, तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट डिवाइड वन डिवाइडेड बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई 100%, तो इस तरह से ये हमारा हो गया 20%। तो आज के लिए बस इतना ही, जैसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसको लेके हम आपके पास जल्दी हाजिर होंगे, और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हम आपको बता देना चाहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारी पल पल की खबर रखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको पीछे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जुड़ सकते हैं। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।